Hello everyone, welcome back to Knowledge of Pharma YouTube channel. In previous video, we have learned about UV visible spectroscopy. And in this video, we are going to learn beam and Lambert's law. Sorry, it will be Beers. B-E-E-R-S. Beers and Lambert's law. UV visible spectroscopy is based on absorption called Beers and Lambert's law. UV visible स्पेक्ट्रोस्कोपी एब्जॉर्प्शन की बेस्ट पर है और इसको बीर एंड लैम्बर्ट्स लॉ कहती है. इन दिस लॉ द एब्जॉर्बिंग मीडियम शुड बी डाइल्यूट सॉल्यूशन. ये जो बीर्स लैम्बर्ट्स लॉ है, इन दिस लॉ जो एब्जॉर्बिंग मीडियम है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होना जरूरी है. तो नेक्स्ट पॉइंट है, ए लाइट इज पास्ड थ्रू डाइल्यूट सॉल्यूशन देन ए पोर्शन ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड एट द सर्फेस ऑफ द मीडियम. ए पोर्शन इज एब्जॉर्ब्ड एंड द रिमेनिंग इज ट्रांसमिटेड थ्रू द मीडियम. ये जो लाइट पोर्शन है, इंसिडेंट लाइट है, ये लाइट सैंपल के माध्यम पास होता है. ये है सैंपल, सैंपल के माध्यम पास होता है. तो इनका एक पोर्शन ये सैंपल में जो मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूल में एब्जॉर्ब होगा और एक पोर्शन ट्रांसमिट होगा और एक पोर्शन ये जो सरफेस मीडियम है इसमें रिफ्लेक्टेड होगा. तो यही था इंट्रोडक्शन. नेक्स्ट पॉइंट इज बीट्स लॉ. बीट्स लॉ क्या है? बीट्स लॉ टोटली डिपेंड ऑन एब्जॉर्बेंस एंड कॉन्सेंट्रेशन. व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पास्ड थ्रू एन एब्जॉर्बिंग मीडियम इट्स इंटेंसिटी डिक्रीजेस एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एब्जॉर्बिंग मीडियम इंक्रीजेस. जब मोनोक्रोमेटिक लाइट एब्जॉर्बिंग की मीडियम माध्यम पास होता है तो वो जो एब्जॉर्बिंग मीडियम का कंसंट्रेशन है अगर वो इंक्रीज हो गया तो लाइट का जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगा. यही है बीट्स लॉ. तो लेट्स सी दैट डायग्राम एंड वी विल अंडरस्टैंड प्रॉपरली. ये है सैंपल मीडियम और ये है लाइट. ये लाइट जब सैंपल के माध्यम पास होता है तो इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है, सैंपल की जो कॉन्सेंट्रेशन है अगर वो इंक्रीज हो गया तो एब्जॉर्बेंस इंक्रीज होगा. एब्जॉर्बेंस इंक्रीज होगा तो ये जो लाइट इंसिडेंट है ये डिक्रीज हो जाएगा. तो यही है बीट्स लॉ. तो नेक्स्ट पॉइंट, इन अदर वर्ड्स एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैंपल. हम ये भी कह सकते हैं कि एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैंपल. सो यू कैन राइट ए प्रोपोर्शनल टू सी. क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया तो एब्जॉर्बेंस इंक्रीज होगा. एब्जॉर्बेंस इंक्रीज होगा तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाएगा. लैम्बर्ट्स लॉ. नेक्स्ट वी हैव टू सी लैम्बर्ट्स लॉ. व्हाट इज लैम्बर्ट्स लॉ? लैम्बर्ट्स लॉ टोटली डिपेंड ऑन एब्जॉर्बेंस एंड लेंथ ऑफ द एब्जॉर्बिंग मीडियम. एब्जॉर्बिंग मीडियम का जो थिकनेस है, जो लेंथ है और एब्जॉर्बेंस है, इन दोनों ही ऊपर ओनली लैम्बर्ट्स लॉ डिपेंड करती है. व्हेन ए रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पास थ्रू एन एब्जॉर्बिंग मीडियम इट्स इंटेंसिटी डिक्रीजेस एज द लेंथ ऑफ द एब्जॉर्बिंग मीडियम इंक्रीजेस. जब मोनोक्रोमेटिक लाइट एब्जॉर्बिंग मीडियम के माध्यम पास होता है तो एब्जॉर्बिंग मीडियम का जो थिकनेस है अगर वो इंक्रीज हो गया तो इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा. ओके, सो लेट्स सी द डायग्राम एंड वी विल अंडरस्टैंड प्रॉपरली. ये है डायग्राम. तो इनका जो थिकनेस है अगर ये थिकनेस इंक्रीज हो गया, यह तक आ गया, तो ये जो लाइट एब्जॉर्बेंस है ये भी इंक्रीज हो जाएगा. लाइट एब्जॉर्बेंस इंक्रीज हो गया तो ये लाइट इंटेंसिटी जो है ये डिक्रीज हो जाएगा. तो यही था लैम्बर्ट्स लॉ. इन अदर वर्ड्स एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द एब्जॉर्बिंग मीडियम इंक्रीज. जो एब्जॉर्बेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द एब्जॉर्बिंग मीडियम. क्योंकि एब्जॉर्बिंग मीडियम का जो लेंथ है वो इंक्रीज हो गया तो एब्जॉर्बेंस इंक्रीज होगा. एब्जॉर्बेंस इंक्रीज होगा तो जो लाइट इंटेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो सो वी कैन राइट ए प्रोपोर्शनल टू एल. नेक्स्ट बीट्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ. ये दो हमको मिला है, ए प्रोपोर्शनल टू सी, ए प्रोपोर्शनल टू एल. सो वी कैन राइट ए प्रोपोर्शनल टू सी एल. ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल. एप्सिलॉन हियर इज एब्जॉर्बिंग कॉन्स्टेंट. ये एक कॉन्स्टेंट है. सो ये हो गया बीट्स लैम्बर्ट्स लॉ. नेक्स्ट वी हैव टू सी डिविएशन ऑफ बीट्स लॉ. डिविएशन क्या है? डिविएशन का मतलब है रास्ता चेंज होना. इन बीट्स लॉ में इसका जो एब्जॉर्बेंस कंसंट्रेशन का रास्ता है अगर वो रास्ता चेंज हो गया, ऐसा हो गया, तो इनको हम डिविएशन कहते हैं. और बीट्स लॉ में डिविएशन होने का मतलब ही है
बीट्स लॉ का फेल होना, फेल हो जाना। तो ये हो गया डिविएशन का डिफिनेशन। द डिविएशन मे बी डिफाइंड एज पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन। सो लेट्स सी द ग्राफ एंड वी विल अंडरस्टैंड प्रॉपरली। ये है ग्राफ, ये है एब्जॉर्बेंस एंड कॉन्सेंट्रेशन का रास्ता। ये एक्स एक्सिस में कॉन्सेंट्रेशन है, वाई एक्सिस में एब्जॉर्बेंस है, ठीक है। तो ये है रास्ता। अगर ये रास्ता चेंज हो गया है, एक्स एक्सिस की तरफ आ गया, तो इनको हम नेगेटिव डिविएशन कहते हैं। अगर ये रास्ता वाई एक्सिस की तरफ आ गया, तो इनको हम पॉजिटिव डिविएशन कहते हैं, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।